अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक, फटाफट फिट फाट आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक टू फैसलाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली घर पहुँच चुके थे। अब मैंने कहा कि यार चलो घर तो आ ही गए हैं, क्यों ना यार इतने दिन फिर टूर के ही बाहर निकल के सारे व्लॉग्स बनाए, आज आप लोगों से बातें शातें करते हैं। तो छत पे हूँ, शाम का वेट कर रहा था। मौसम इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन है। आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस जिस बंदे ने मेरा व्लॉग देखा है उन्होंने बड़ा, यकीन करें मुझे बड़ी खुशी है, उन्होंने मोहब्बत दी है। इवन के तकरीबन सबका कहना ये था कि यार हम लोगों ने प्रॉपर इन व्लॉग्स को इन्जॉय किया जो मरी में हम लोगों ने बनाए। देखें पता बात क्या होती है, डेली व्लॉगिंग जो है ना, डेली व्लॉगिंग ये बड़ा यार, मैं आज माशाल्लाह 8 महीने कम्प्लीट हो गए हैं, हाथी चला गया है, दुम रह गई है। तो बाकी भी इंशाल्लाह करेंगे। डेली व्लॉगिंग में यार मैं चाहूँ तो इससे बेहतर जो है वो डेली व्लॉगिंग नहीं, उसके अलावा कंटेंट जिस तरह था मरी दोस्त गए ये वो, इससे बेहतर व्लॉग भी बन सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब डेली व्लॉगिंग हो तो उसके बीच में आपकी एडिटिंग थोड़ी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अभी भी स्टिल मरी के व्लॉग्स में मैं समझता हूँ कि यार जितनी अच्छी एडिटिंग मैं कर सकता था उतनी अच्छी मैं कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी जितनी हो गई आप लोगों को बड़ी पसंद आई है, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों की मोहब्बत है। तो उसके अलावा यार वापस आ गया हूँ और बस अभी आया हूँ ऊपर फैसलाबाद में। वेदर दुआ कर रहे थे कि बेहतर हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह वेदर जो है वो बड़ा बेहतरीन है। आज मैंने आपके साथ बातें शातें ही करनी है, टेंशन ना लो, आज हम बातें ही करेंगे। उसके अलावा यार कुछ एक्सपीरियंसेस आपको बता देता हूँ जो मैंने इस टूर पर किए। इंसान ज़िंदगी में सीखता रहता है, इंसान को नई नई चीज़ें पता लगती रहती हैं जब बंदा ट्रिप पर जाता है। अहमद मित्रों कैसे, तुझे क्या हुआ बेटे? यार भाई मौसम बड़ा अच्छा, एंजॉय कर रहा हूँ मैं इस टाइम, बातें सुन रहा हूँ। सीन ये है कि यार इंसान हर हमेशा हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीखता रहता है। तो मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं जिनमें से मैं ये चीज़ सीख आपसे शेयर करना चाहूँगा कि यार ट्रिप के ऊपर मस्ट 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 आपके साथ वो लोग होने चाहिए जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ थे, जो प्रॉपर इंजॉय करना जानते हैं। नुमान भाई ये सलूट है, नुमान के साथ जितना मर्जी शुगल मेला कर लो, नुमान को उससे कोई किसी किस्म का उजर नहीं होता। बड़ा ही यार माशाल्लाह ग्रेट किस्म का इंसान है, हमने टका के नुमान के साथ शुगल लगाया लेकिन नुमान भाई लव यू हो गया। इतना मज़ा आया इस बंदे ने, इतना इंजॉय हमें करवाया, फुल शुगल मेला हो रहा था और ये बंदा जो है वो थ्रू आउट हमारे साथ आगे से इंजॉय करता होता ना कि यार एक दफ़ा भी बंदे के हाँ कोई बंदा अगर लिमिट क्रॉस करे तो हर बंदा टूर पर ऐसा नहीं हो सकता के दोस्त यार गए और वो एक आधी दफ़ा बीच में ना हुए हों। हम भी इस तरह ही थे तकरीबन सारे जो हैं, एक आधी दफ़ा सबको गुस्सा आया है लेकिन कोई बात नहीं, ये शुगल मेले होते रहते हैं। नुमान इनमें से जो है ना, हम सब में से सबसे ज़्यादा बर्दाश्त जो है वो नुमान की, और उस बंदे ने अखीर कर दी हमारे टूर की जान, हम लोगों की हंसी की वजह जितना टाइम हम लोगों ने शुगल मेला लगाया लास्ट टूर में भी और इस दफ़ा भी, सब जो है वो बड़ा बेहतरीन रहा। जुनेद साथ था मेरे, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने भी टिका के मैं जुनेद जो है वो एक दूसरे की कंपनी को शुरू से इंजॉय करते हैं तो वो भी करते हैं। उसके अलावा फ़हीम इस दफ़ा साथ गया, एतजाज साथ गया, तो वो तो कह रहे थे कि यार इससे पीछे वो थोड़ा अरसा पहले वो भी करके आए हैं मरी गई ट्रिप, तो कहते हैं कि यार जो इस दफ़ा मज़ा आ गया ना वो किसी भी दफ़ा नहीं आया। व्लॉग्स का मुझे ये बेनिफिट है कि यार ये जो हम लोग इंजॉय करके आए हैं, मैं आज से जिस टाइम मर्जी कितने अरसे बाद भी इन व्लॉग्स को अगर खोल के देखता हूँ तो मैं इस टूर को दोबारा इंशाल्लाह उस तरह इंजॉय कर सकता हूँ जिस तरह के मैं करके आया हूँ। तो बस ये चीज़ें थी। उसके अलावा यार एक जो बीच में ट्रैफिक में स्टक हुए हैं वो चीज़ बड़ा बैड सीन हुआ था, 3 घंटे आपका भाई गाड़ी से उतर भी नहीं सकता था, वो सीन आपको कल बताऊँगा कि मैं क्यों नहीं उतर सकता था, कल का व्लॉग लाजमी देखिएगा। इसके अलावा और बस तुम सुनाओ की हाल चाल है फैसलाबाद वाले, ठीक हो? बस ये शुगर मेला लगाते रहे। इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, अहमद साहब जो हैं इसने गूगल पिक्सल लिया नया, तो इसका जो है वो भी हम लोग रिव्यू करेंगे। गूगल पिक्सल 6A है इसके पास, बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का फ़ोन है। मैं तो वापस आया तो मैं कहा भाई ये क्या कहता भाई गेमिंग करनी है, गेमिंग करनी, मैं क्यों बदलूँ तेरे साथ बदल ले गेमिंग वगैरह के लिए। यार ये बड़ा बेहतरीन फ़ोन है गूगल पिक्सल, इसका भी इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे अन करीब। उसके अलावा बस यही बातें आप लोगों के साथ, इसका भी कर लेंगे। उसके अलावा बस यही बातें आप लोगों के साथ करनी थी। कल का व्लॉग लाजमी देखिएगा, उसमें भी इंशाल्लाह एक इंफॉर्मेटिव चीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो बस इतनी सी बातें चाहते थी आप लोगों के साथ करनी, क्योंकि आज एक्टिविटी कोई नहीं थी और ख़ुद नहीं रखी थी, सफ़र करके आए हैं, थकावट थी,
वो रेस्ट ही की है, तो मैंने कहा चलो सिर्फ बातें ही कर लेता हूँ। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर स्प्रेडिंग दैट मच लव, थैंक्स अ लॉट। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे एक नई कहानी के साथ। कल तक के लिए भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।